क्या बुरा सब जैसे 50 इयर्स हो गए मुझे मोर देन 60 फिल्म भी प्रोड्यूस एंड आई डायरेक्टेड मोर देन 30 फिल्म और पहला डेब्यू था मेरा आज का अर्जुन बच्चन साहब की फिल्म से फिर देन मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी एक्टर ऐसा होगा जिसके साथ हमने काम नहीं किया हो राइट फ्रॉम 5 पिक्चर में रजनीकांत को डायरेक्ट किया 2 पिक्चर बच्चन साहब को किया मनोज कुमार जी से लेकर सबको डायरेक्ट करने का मौका मिला सब शाहरुख खान सलमान खान अक्षय कुमार सैफ अली जिसका भी नाम ले आप मतलब कि यस्टरडे आज मतलब अपने आप में एक इंडस्ट्री अभी कि हम मेरा 50th कंपनी का सेलिब्रेशन कर रहे तो एक्टरों की लिस्ट बनाई तो 100 भी कम पड़े मतलब मैं कह रहा बहुत मुश्किल है क्यों ऐसी भावना थी पे जिसके साथ काम किए उनको एक तोने सोने की चेन पहना कर स्वागत करें लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट हो गई कि मैं घबरा गया अच्छा किसी को छोड़ भी नहीं सकते और मेरी नेचर भी है सर मैं बड़ों से कम ताल्लुकात को चलेगा लेकिन छोटों से मैं अपने उस प्यार को लूज नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट छोटों से छोटा बड़ा कोई वर्ड नहीं होता मैं सॉरी बट जैसे नवीन जी है ये लोग आते हैं तो मैं उनको पूछो बड़ा प्यार से चाय पिलाता हूँ बैठता हूँ इनसे सीखता हूँ और ये जो इतना बड़ा सफ़र है तो मैं कईयों से सीखा होगा और अच्छा काम किया सर इंडस्ट्री में अभी भी 2 पिक्चर रिलीज है मेरी एक तेरी मेहरबानी पार्ट 2 बनाए जो मैं डायरेक्ट किया और एक गजेंद्र आयरे जी ने डायरेक्ट किया अनुपम खेर साहब और मैं जॉइंटली प्रोड्यूस किए उसमें अनुपम खेर जी अनु कपूर जी मनोज जोशी रणवीर सोरे जी महिमा चौधरी जी
किए, फिर अभी एक हम लोगों को दूरदर्शन से एक सीरियल बड़ा शुरू हो रहा है हमारा सरदार पटेल पे, और दो तीन चार पिक्चरें अच्छी शुरू हो रही है OTT पे। अभी खुद क्या थिएटर में तो कोई जा ही नहीं रहे तो क्या करें, जैसा दुनिया की नींद है वही करेंगे। अभी दो तीन पिक्चर है, बट मेरा बेस ज़्यादा मद्रास है, इसलिए मुंबई में इतना कम है। अभी भाई साहब पूछे आपका, अभी मुझे जो लेने आए थे पूछा आपका ऑफिस का है, मैं गया, मेरा ऑफिस मोबाइल में है मुंबई में। अब बड़े बड़े मेरे पास नहीं आते, छोटे लड़के भी आते हैं, कुछ भी समझो, मिलके बहुत मुश्किल होता है सर। किसी से मिलो और वो उसको आप अच्छा बोलो तो उसकी उम्मीद बढ़ती है, उम्मीद बढ़ती है तो फिर आप काम नहीं देते तो उसका दिल टूटता है, और बस थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे को फेस करना लोगों को, इसलिए मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भैया। जब मैं समझ नहीं आता मेरे को, बट मेरे मन की भावना है सबको काम मिलना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए इंडस्ट्री में। सच हम लोग हिंदुस्तान के किस किस कोने से निकल के आए, और सब हिंदी घर वालों से, रिश्तों से, प्यार से, दोस्तों से, इस उम्मीद में आए हम मुंबई में जाकर कुछ करेंगे, और कुछ नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है सर, वो मैं आजकल महसूस कर सकता हूँ। और इसलिए मेरा हमेशा मन से भावना रहता है कि अगर किसी का अच्छा हो सकता हूँ तो जरूर करना चाहिए। अभी अभी मेरे बहुत वैक्यूम है, मतलब मैं कईयों को काम दे सकता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता मैं किसको दूँ किसको नहीं दूँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अब जब वो कास्टिंग करने भी आते हैं तो मुझे बोलते हैं वो आजकल वो सबका अलग ही होता है, सबको मिला के उनका इंटरव्यू देना, ईमानदारी से नहीं आता, मैं अवॉइड ही करता, मैं क्या जिसको कैमरे के सामने खड़ा कर दो मैं काम निकाल लूँ। मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल है, और थोड़ा डिसिप्लिन बहुत हो सर, बहुत ज़्यादा, वो किसी को भी समझ नहीं। अभी ताज़ा इंसिडेंट है, अगर से मेरी लाइफ में 6-7-8 पिक्चरें मैंने बीच में बंद कर दी सर, जब मेरा मन नहीं मिलता या डिसिप्लिन नहीं होता तो बहुत, मतलब किसी बुकाड़िया का एक ही प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हमने किसी एक्टर को नॉन वेज नहीं खिलाया, उसमें मैं जेल आदमी हूँ, तो हमने संस्कार को मेंटेन किया। और मुझे नहीं लगता कोई हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की भी कहते हैं बोकड़े दिन मेरे को हाथ लग गया, मैं इतना बोल सकता हूँ। अभी एक ताज़ा हमने एक पंजाबी फिल्म रिलीज की भूत अंकल तुसी ग्रेट, एक पिक्चर और शुरू की थी मेरी रोटी दबिया, और आप यकीन करें 10 रील बनी हुई पिक्चर। अभी 2-3-4 महीने का इंसिडेंट हूँ, एक्टर था, न्यू कमर था, और उसके फादर बड़ा एक्टर है, वो दोनों थे बाप बेटे, तो हमने कहा यार ये मैं गायब कर रहा था, मैंने ठीक नहीं कर रहे हो तुम, बोले साहब मेरी स्टाइल है। हमने कहा यार अभी तुम स्टाइल हफ्ते तक रखते, तुम बाहर नहीं आए स्टाइल से, तो चलो सर दूसरा बाप होता ना सर तो वो बोलता है डायरेक्टर को तो सर आप गुरु हैं और आप बड़े हैं, आप बड़ी बेचारों बच्चों को समझ नहीं है। बल्कि उसने मुझे बोला कि सर आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं कहा आप तो सेट पे थे, और हमने तो उसको बोला ये ठीक नहीं कर रहे, वो तो हम बच्चन साहब को भी बोलते हैं, रजनीकांत जी को भी बोलते हैं, जब डायरेक्टर का मतलब क्या है, तू चेक आप ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाकी तो हर आदमी को, हर बाप को अपना काना बेटा भी 3 आंख का दिखता है, इसका तो कहना जाता है, इसका तो कहना है नहीं। हमने कहा सर आप तो चाय पिलाओ, और हमने बस एक सेकेंड भी नहीं लगाया, 1.5 करोड़ रुपया ढेर करके आ गया। हमने कहा सर ये पिक्चर बंद कर दिया हमने, वो सोच भी नहीं सकते, बम्बई से ऐसे भी लोग होते होंगे प्रोड्यूसर जो एक झटके में बंद करते हैं, ऐसा कितने भी बड़े बड़े एक्टरों की स्टोरी है सर। एक आदमी मुझे आया मेरे पास, बड़ा डायरेक्टर प्रमोद बुकड़े जी लेके आए, और बोले बुकड़े भैया आपकी बायोग्राफी पे फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या बायोग्राफी पे बनाना तो अच्छी बात है, पर इनका क्लाइमेक्स क्या है, अगर ये समझते हैं कि गुरुदत्त की तरह कैसे बुकड़िया जी भी अगर मान लो ऑटो में जा रहे हैं, जूते भी नहीं पहन रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहन रहे, इनकी गलत फहमी है, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर हूँ, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरे को गलत फहमी नहीं है, ये मेरा कन्विक्शन है, और जब कन्विक्शन नहीं होता है तो फिल्म लाइन में काम करना भी नहीं होता। अच्छा लगा नवीन जी हमारे मित्र हैं, और भाई साहब मिल गए, फिर ये डायरेक्टर साहब कुमार जी तबियत खुश हो गई, कोठारी साहब मिल गए, सब मिल गए पुराने मिलने वाले। तो आप कोई भी कोई अच्छा टैलेंट हो, कोई अच्छा राइटर हो, अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा हो,
तो आप सेलेक्ट करके बोलना इसको लो, आप मेरे सर्टिफिकेट हो जाएगा, मतलब मैं कर ही नहीं पाता, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चुप कर ले रहा। अभी बैठ के मुझे बोले भाई तेरे को जो लग रहा है ना तेरे पास अच्छा टैलेंट है उसको मेरे पास भेज दे, मैं तुम शुरू कर दूंगा। नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी जारी है 3-4 फ्लोर पर, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। एक तो ऐसा है ना सर, किसी को बड़ों को बोलो तो वो बोलता है कि वो कंपनी है, मैं कि ये क्या होता है कंपनी, फिर क्या होता है। आजकल एक्टरों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है, पहले सेक्रेटरी होते थे बेचारे मेहनत करते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इजी करने के लिए इजी फील करता था, और आज कोई पहले बोल रहा है कि मेरे को स्क्रिप्ट भेज दो, तो स्क्रिप्ट तो मेरे पास है नहीं, भेजूँ क्या। मतलब मैं तो इतना चैलेंजिंग आपके सर, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट कर रहा था, मनोज कुमार जी थे, मनोज जी थे, धर्म जी, अक्षय कुमार जी, मेरा मैनेजर, तो मनोज जी अपने बेचारे पुराने टाइम के, आपको उनकी अपने स्कूल इस टाइम है, तो बोले पकड़े साहब सीन तो भेजो। अरे मैं क्या हो जाएगा सर, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, 10 दिन से चालू है, अभी बोले यार कल सेट पे आ रहा हूँ, प्लीज आज तो भेज दो मेरे को सेट। मैं क्या, मैं लिखा ही नहीं भेजू क्या, मैं लिखा ही क्या, तो फिर कैसे शूटिंग हो। मैं आप आराम से आप रिलैक्स हो, टेंशन मत हो। वो 10 बजे मेरे से पहले पहुंच गया, मैं 5 मिनट लेट आया सीट, मैं कहना पेपर पेन दे, असिस्टेंट को बोला मैं लिख के और ऐसा दे दिया, उन्होंने ताली बजा दी, तो मेरा ये इस तरह की गलती आगे पड़ गई, लोग अप्रिशिएट करते गए, मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन मैं एक हमेशा इस बात को बोलता हूँ सर, ये कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई चाय की दुकान नहीं है कि इतनी पत्ती डालो, इतनी शक्कर डालो, इतना चम्मच ये करो, क्रिएशन काम है। सामने कौन एक्टर कितना रिस्पॉन्स करता है उस हिसाब से डायरेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आप एक सीन लिख देते हो, हर आदमी को गलत फहमी है वो अमिताभ बच्चन है, हर आदमी को गलत फहमी वो शाहरुख खान, नहीं तू तू है बस, तू तू अपने आप में बाहर मत, उसमें मत जा मैं वो हूँ। तो मैं हमेशा सर इसलिए 90% में अवॉइड ही करता हूँ। या राजकुमार जी थे एक पिक्चर में पुलिस और मुजरिम में, एक राइटर का मैं नाम नहीं लूँगा, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको दे दिया लिख कर, फिर वो सीन गया, बोले सर क्या है ये सर भिंडी बाजार का सीन लेके आ गया, असिस्टेंट को बोलो, बुकड़िया साहब को बोला, मैं बोला ऐसा ऐसा सुना, बोले सर ये किधर है, फिर बोले बुकड़िया साहब से पहुँचते तो कैट रखा करो, तो सर सीन से भी आए एंजॉय फिल्म लाइन, और फिल्म लाइन से बढ़िया कोई लाइन भी नहीं है। आप कितनी भी फैक्ट्रियाँ लगा लो, होटल बना लो, उसमें आपकी पहचान नहीं होती है। जब एयरपोर्ट में हम जाते हैं और वो देखते हैं किसी बेचारे ऐसा कैटअप हो गया, बोले यहाँ पर हमारा सब कंप्लीट हो जाता है। कई बार इनका आना जाना लगा रहता है और बहुत अटैचमेंट करते हैं, और इन्होंने एक का फिल्म पुस्तक और लिखी है, वो फिल्म के लिए हमारा कंटिन्यू सिलसिला चालू है, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है इन्होंने, और आज ये पढ़ी नहीं मैंने, तो मैं इसको लेके जाके इसका भी अध्ययन करूँगा। नवीन जी का प्यार यहाँ तक बहुत खींच कर लेकर आया, अनिता स्वरूप में आने का बहुत कम काम पड़ता मेरा, लेकिन गाँव में इतने सब कुछ हो जाता है कि आना। अरे नवीन जी का प्यार आप लोगों को देख के लगता है, नवीन जी आज छुट्टी के दिन भी इतने लोगों को खींच पाए, मैं नवीन जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत से लोग पढ़ेंगे, हो सकता है इसको फिल्म भी बने और कोशिश भी करेंगे, कुछ हो सकता है, क्योंकि YP सिंह साहब को ऐसे सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मैंने भी इनसे बात की, ये खुद IPS अधिकारी थे, इन्होंने बहुत अच्छी एक मूवी बनाई है, अभी तक रिलीज की नहीं है, फिल्म हमने देखी है वो मूवी। मैं साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसको और चिंतन ज्ञान करके इस कहानी को आगे बढ़ाएं। नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। इतने कई ज्वलंत उदाहरण हैं, चूंकि ये पार्टीशन के बारे में इन्होंने कहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों ने चीर दिया देश को, अंग्रेज से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, 1,000 लोग आए थे, सिर्फ 1,000 लोग आए थे, और 25 करोड़ वाले भारतवर्ष को गुलाम बना दिया और 200 साल तक गुलामी की, और इतिहास हमको मुल्क बना दिया। कहता है अंग्रेज हमको लूटने आए थे, अरे आप क्या कर रहे थे,
25 करोड़ देशवासियों को दोषी किया जाए या अंग्रेजों को दोषी दिया जाए, दोष दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 1,000 लोग आए थे। तो अंग्रेजों ने एक चीज देखी कि जो देश धर्म के पीछे भागता है वो देश डूबता है। 1791 में अंग्रेज के ही जो भाईजान और उनके जो प्रियजन थे उन्होंने अमेरिका देश बनाया, पूरा ईसाई देश था 100%। लेकिन उन्होंने कहा हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे, और वो देश कहां से कहां चला। पाकिस्तान जब बना तो लगता था बेहद उनकी आइडियाज इतनी अच्छी थी, बेचारा जिन्ना कहते थे हम सब एक धर्म के लोग इकट्ठा होंगे और मिलके अपना देश बनाएंगे, जन्नत बनाएंगे। इतना ज्यादा लोगों को भावुक कर दिया, लेकिन उन्होंने अमेरिका को नहीं देखा। और आज पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान इंडिया भी कोई बहुत आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का आधा से भी बेकार है। और आज अगर कह दिया जाए कि पाकिस्तान और भारत एक हो जाए तो भारतवासी विद्रोह कर देंगे, कहेंगे हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, तुम अलग ही रहो। तो ये इतिहास का एक सबक होता है जो कि हम लोग जो हैं इतिहास से नहीं सीखते हैं, और जो हमको इतिहास बताया जा रहा है सब गलत है। अंग्रेजों की हम बुराई करते हैं, अरे अंग्रेजों ने आपके भारतवर्ष को बचा दिया। जिस समय उनके पास तलवार थी हमारे पास तलवार थी, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो जिस धर्म का था वो उस धर्म का ही रहा। लेकिन जो जब समय आया कि शासक के हाथ में बंदूक, शासक के हाथ में मशीन गन और प्रजा के हाथ में सिर्फ तलवार, तो क्या होता? भारत जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता, और जैसे अफगानिस्तान, इराक, ईरान है, उस तरह से भारत भी टुकड़े टुकड़े होकर तड़प रहा होता। और किसने बचाया भारतवर्ष को? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के हाथ में मशीन गन थी, लेकिन अंग्रेज धर्म निरपेक्ष थे, उन्होंने भारतवर्ष को बचाया। तो कहने की बात यह है इतिहास का सबक लेना चाहिए। इतिहास आपको मूर्ख बनाता है सबसे ज्यादा, और उस मूर्खता में मत पड़िए। तो भाइयों बहनों, वैसे भाइयों बहनों भी कहना गलत है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जर्मनी में जो सबसे दुष्ट देश था, जहां पे मानव लोगों की कोई कदर नहीं थी, हिटलर के टाइम में 5 करोड़ लोगों को मार दिया गया, लोगों को उठा उठा के गैस चैम्बर में डाला गया, उससे ज्यादा मानव हक का हनन कोई देश में नहीं हुआ। और आज जर्मनी में नियम है कि वो इतने नेक हैं, वो हर मिनट सबक लेते हैं, और उन्होंने कहा हम अपने लोगों में बीच में भाइयों और बहनों नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर हमने भाइयों और बहनों कह दिया तो LGBT का क्या होगा? उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर हमारे 1,000 में 1,000 में 2 लोग भी LGBT के हैं तो उनको बुरा लगेगा? इसलिए वो लोग कहते हैं दोस्त इतिहास से सबक लीजिए। और नवीन जी की पुस्तक इतिहास के इस आयाम को आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी तक बॉलीवुड और OTT सब जो है इस समय वहां पे वही चीज बार बार दिखाई जा रही है, एक तरह से विचारों में एक तरह से बड़े ही रिग्रेशन आ गया है। और ये पुस्तक इस रिग्रेशन को आगे, मैं बस हिंदी शब्द नहीं उसके लिए, उसको आगे ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जल्दी हम देखेंगे इस पुस्तक को। अभी उतरना 81 माइल्स किताब का नाम है, और इसमें मैं जोड़ रही हूँ 81 माइल्स इन 7 डेज। 81 मील की यात्रा को पूरा करने के लिए मुश्किल से 2 घंटे काफी होते हैं। 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से अगर कोई गाड़ी चलती है तो 2 घंटे काफी होते हैं। ये 21 माइल की यात्रा को 7 दिन लगे। और ये जो किताब है ये इसके 16 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हामिद अली का पैगाम, आखिरी चैप्टर है सफ़र का पहला दिन। इसके बीच में 7 दिन की कहानी है, सफ़र का पहला दिन, सफ़र की पहली रात, सफ़र का दूसरा दिन, सफ़र की दूसरी रात। इस तरह से ये कहानी धीरे 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 आगे बढ़ती है और अंततः अपनी मंजिल को पहुंचती है। कहना ये है कि इस 7 दिन की कहानी को इन्होंने 16 भागों में 16 चैप्टर्स में इतने खूब
खूबसूरती से गढ़ा और जड़ा है कि अननेसेसरी कुछ भी इसमें अलग से नहीं डाला गया है किताब के पन्ने बढ़ाने के लिए या जिल्द को मोटा रखने के लिए। अनर्गल प्रलाप इसमें नहीं आया है, जैसी घटना है, जितनी घटना है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उसी को कल्पना के आधार पर लेकर के नवीन ने बहुत अच्छी तरह से 16 भागों में इसको प्रस्तुत किया है, जो कि ये बताता है कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं। स्टोरी टेलिंग का ये एक बहुत बड़ा भाग होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बात को कैसे छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में किस तरह से आप बहुत आसान भाषा में पहुंचाते हैं, ताकि मुख्य बात ये होती है कि कितना सर्वग्राह है, कितनी आसानी से बात लोगों तक पहुंच रही है, पहली बात ये। दूसरी ये कि 1947 का जो विभाजन है, इसकी जो छवि है हम सबके दिलों में, जो हमने देखा है, ये इसका डार्कर हिस्सा ही देखा है। निश्चित रूप से था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुख, बहुत दारू था ये सब, लेकिन इस सब के बीच में कुछ अच्छा भी था, जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। इनकी किताब को पढ़ा तो मुझे तमस याद आई, इनको पढ़ा तो मुझे टोबा टेक्सिंग याद आए, इनको पढ़ा तो मुझे गर्म हवा याद आई। बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी इस काल का विवरण हुआ है, चाहे फिल्म हो चाहे किताब हो, तो उस समय के घने दारुण अंधकार का ही विवरण ज्यादा हुआ है, और उस काल में इनकी यह पुस्तक रोशनी की किरण की तरह बाहर निकल कर आती है और रास्ता बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ बुरा नहीं था, कुछ अच्छे लोग थे, इंसानियत बाकी थी, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, धर्म सिर्फ एक धर्म था जिसका नाम था इंसानियत। तो उन बुराइयों के बीच भी जो अच्छाइयां पनप रही थी, और जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के लिए जो अच्छा किया, उसका चित्रण इसमें है, वो बहुत अपील करता है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो हर, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाज से बगावत है तो है, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है, जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्म की, जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उस पे किस्मत है तो है। शेर है कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर, कुर्बत का मतलब होता है समीपता, निकटता, कनेक्शन, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत। मेरी हौसला अफजाई की, मैं किताब के बारे में बोलने से पहले कुछ ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे दिल से आएगी, जैसे ये किताब मेरे दिल से आई है। मुझे कई बार लोगों ने बोला कि तुम्हें 20 साल हो गए मुंबई में, तुमने क्या कमाया, तो मैंने कहा मैंने दोस्त कमाया, मैंने प्यार कमाया, मैंने गणपत कोठारी जी जैसे बड़े भाई स्वरूप ऐसे लोग कमाए, वाईपी सिंह सर, नव कुमार राजू सर, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब यहाँ सिर्फ मेरे प्यार की वजह से बैठे हैं, मैंने दोस्तों को कमाया। देखिए, पैसा कमाना एक अलग बात है, ठीक है, भगवान ने जो दिया उसके लिए उसका धन्यवाद, लेकिन रिश्ते कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है,
जब कोई लेखक कोई भी कहानी लिखता है, सबसे पहले उस लेखक के दिमाग में एक प्लॉट आता है, आइडिया। उस आइडिया के बाद उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में डाला जाता है। कॉन्सेप्ट में डालने के बाद उसमें कुछ किरदार डाले जाते हैं, फिर वो किरदार कहानी को आगे लेकर चलते हैं और फिर एक पूरी कहानी की रचना होती है। अब इसे मैं अपना सौभाग्य बोलूं कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे इर्द गिर्द मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ जी और बाकी के रिश्तेदार, इसके अलावा जो भी उस पार्टीशन के मारे हुए लोग थे, ऐसे काफी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता था। मैं बड़ा हैरान होता था कि इन लोगों ने कभी भी इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद में कभी भी उस दुर्घटना को, उस इतिहास के काले अध्याय को मजहबी चश्मा पहनाकर नहीं देखा। तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, जब आपने ये वहां से पलायन किया तो कैसे हालात थे, क्या क्या चीजों का आपको सामना करना पड़ा। इसमें किताब में आप मेरे पापा की, जिनका नाम सुखदेव है, उस समय वो 10 साल के थे पार्टीशन के टाइम पे, उनका पूरा किस्सा इस किताब में एज इट इज मैंने लिखा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे किरदार जो मुझे अलग अलग जगह मिले, बहुत सारे ऐसे किस्से जिसे आप पढ़ेंगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में इस किताब में पढ़ेंगे, लगता है कि यार कोई इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन उस सब के बावजूद आपसी भाईचारा फिर भी जिंदा हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नफरत हर तरफ थी, हर तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे थे, ऐसा नहीं था। ऐसा भी था कि लोग धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे को बचा रहे थे, कैसे भी करके ये लोग निकल जाए यहाँ से, इनकी जान बच जाए। तो ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाईचारा, आपसी मेलजोल, ये चीज़ें जो है, ये लगता है कि जैसे किताबी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा वास्तव में बहुत बार हुआ है और बहुत बार देखने को मिला है कि आप जब पढ़ेंगे इस किताब को तो आपको पता चलेगा कि यार ऐसा हो सकता था क्या, हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा, लेकिन सच में ऐसा होता। तो मेरी आप सबसे बस यही प्रार्थना है कि आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ें और मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार होगा। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये किताब लिखी और यात्रा शुरू की है। उन्होंने अपने पैदा होने से पहले की कहानी लिखी है, तो अभी तो बहुत कहानियाँ इनके अंदर हैं, बाहर आएंगी। पर इस किताब के लिए मैं पढ़ूँगा और मैं लुकिंग फॉरवर्ड की बड़ी पार्टीशन के टाइम के दौरान कहानी है और तो पढ़ूंगा इसको मैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से लिखते रहिए और मैं काफ़ी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग नेचुरल भगत से फिल्म में हमने इकट्ठे काम किया था, उन्होंने तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, और किताब भी लिखी है और सब लोग पढ़िए और शेयर दिस स्टोरी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और इसे इसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई और बहुत एचआरआई फिल्म स्कूल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं जब हास्य रस होता है तो मैं आपके बारे में और कि एक ऐसा भी है, एक अपने आप में एक मुकम्मल इंडस्ट्री, एक ज़्यादा समय नहीं हुआ जब इन्होंने, मैंने और सलमान भाई ने पूरी रात फिल्म सिटी में बाहर काटी और वी डिस्कस अराउंड भाई। मैं देखिए, मैं किताब तो पढ़ा नहीं, मैं इस आदमी से मिला हूँ, नवीन जी से,
अच्छा समझदार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और इनका हुक्म था मैं आ गया और मुझे हमारी एक अगली फिल्म में लिख भी रहे हैं और देखते हैं कैसा अभी है बट इज़ वेरी गुड मैन वेरी ह्यूमन बीइंग अच्छा इंसान है इनका हुक्म था और फिर आगे आप सबसे मुलाकात हो गई और अच्छा ही लिखा होगा जो पर्दे पे देखा हमने और इन्होंने बताया कि हमारे हैपन हमारे परिवार के साथ ये काम हुआ तो जो काम आत्मा से होता है वो उसमें खूबसूरती अलग ही होती है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू वेरी मच थैंक यू अब मैं सर मैं आपको बताया मैंने अभी बोला तो मैं कंट्राडिक्टरी कैसे बोलूँ मैं पढ़ा ही नहीं किताब को मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैं इस आदमी के लिए आ गया बस ये मेरे भाई को अच्छे ऑलवेज 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 कभी भी कोई अच्छी चीज़ के लिए तो हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं और अच्छी चीज़ मिले तो अच्छी बात है और कोई चीज़ अच्छी होगी तो उस पर फाउंडेशन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा जी 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 सर मैं मेरे पास शब्द नहीं है सर का धन्यवाद करने के लिए नहीं, नहीं, और मैं सर के साथ एक फिल्म लिख रहा हूँ और मेरी ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि सर ने मुझे एक बार बुलावे पर सर मेरे लिए यहाँ पर आए इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता और बस मैं तो इनकी बचपन से फिल्में देख देख के बड़ा हुआ और एक से एक बड़ी अच्छी फिल्म इन्होंने लिखी है बाकी मुझे खुशी होगी हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ भी सर और भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मेरा सवाल आपसे है कि जी इतिहास में देखा जाए तो आपने आपने डायरेक्शन किया है एक्टिंग करा है काफ़ी कुछ करा है तो आप आज फाइनली एक राइटर के तौर पे जी तो इस जर्नी में जी आपको कैसा लग रहा है बताइए बहुत अच्छा लग रहा है राइटिंग मैं पहले से कर रहा हूँ मैंने काफ़ी सारे शोज लिखे हैं शायद वो कम लोगों को पता है मैंने बुगी बुगी शो लिखा है बुगी बुगी के काफ़ी सारे एपिसोड्स मेरे लिखे हुए हैं और उसके अलावा बच के रहना ज़रा संभलना अब आएगा मज़ा बहुत सारे ETC चैनल के साथ मैं रेगुलर राइटर कई साल मैंने काम किया उनके लिए कॉमेडी शोज लिखे जिसमें मैं राइटिंग भी करता था इधर मैं सीन लिख रहा हूँ उधर जाकर के फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ सुरेश मेनन जी के साथ में तो ये जर्नी काफ़ी पुरानी है और लेकिन ये जो किताब है ये किताब बहुत मेरे दिल के करीब है क्योंकि जो मेरे बुजुर्गों के साथ हुआ जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ वो सब मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है मेरे परिवार के अलावा जो बाकी लोगों से मैंने पार्टीशन के टाइम की बातें सुनी हैं विभाजन में उन लोगों ने क्या क्या दर्द सहा और अच्छी बात यह है कि इसमें भाईचारे की बहुत सारी बातें हैं जो एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं बहुत भाईचारे की बातें हैं जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में सबसे पहले तो आज HRI धन्य हो गया भाई साहब आए मतलब जैसे ही कहा था नवीन जी ने कि भाई साहब आएंगे भाई साहब चीफ गेस्ट होंगे सो सबसे बड़ी बात कि एक अपने आप में एक मुकम्मल एक इंडस्ट्री आज हमारे आए और कहा कि जब आपका मन करे बुला लेना सो सारे बच्चे मेरे खुश हुए सो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और दूसरी बात नवीन जी की किताब को लेकर है कि एक होता है कि एक राइटर फिक्शन लिखता है एक अपनी कल्पना लिखता है कल्पना के घोड़े दौड़ाता है और एक शख्स वो होता है कि जिनके पेरेंट्स ने जिनके फोर फादर ने जिनके परिवार ने उसमें अपना खून बहाया और जब आपके ऊपर वो लिखने की बारी आती है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है और ये किताब मैंने पढ़ी और पढ़ी मैं सो नहीं पाया क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है कि बहुत कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि ये महाभारत दो हिस्सों में बटा क्यों ऐसा हुआ क्यों एक का नाम हिंदुस्तान और एक का नाम पाकिस्तान रखा क्यों गया और एक एक जब कहानी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे भी पूर्वज इसमें इन्वॉल्व थे और आप जब 64 पेजेस का पढ़ेंगे और किरट सिंह के बारे में जब वो 1.25 साल का बच्चा जब वो अपने पेरेंट्स के सामने जो 15 साल के बाद हुआ था ऐसी मैं एक बात नहीं पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है और ज़रूर सबको ये बुक पढ़नी चाहिए और मैं दावा करता हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउस इस पर चाहे वो वेब सीरीज़ बनाए चाहे फिल्म बनाए ये पूरी दुनिया ज़रूर उसको देखेगी अगर वो सही से बनेगी तो ये मेरा